लोकसभा चुनाव के बाद अब राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों में बदलाव को लेकर खींचतान शुरू हो गई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद से ही यहां पर दोनों दलों में बदलाव की तैयारी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव की वजह से नहीं हो पाया। कांग्रेस ने जाट नेता गोविंद सिंह डोटासरा के अध्यक्ष कार्यकाल का एक्सटेंशन कर दिया और बीजेपी ने सीपी जोशी को ही आगे बढ़ा दिया, जबकि यहाँ पर बीजेपी के संगठन में बदलाव की मांग कर रहे थे। अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहाँ पर बड़ा नुकसान हुआ है, इसलिए बदलाव को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। वहीं कांग्रेस ने भी बदलाव की बात शुरू कर दी है, मगर बड़ी बात यह है कि यहाँ जातिगत समीकरण पर काम अभी नहीं हो पाया है। नमस्कार, मैं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। राजस्थान में बीजेपी के चार अध्यक्षों को देखें, अशोक, मदन सैनी, सतीश पुनिया और अब सीपी जोशी काम कर रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी ने ओबीसी अध्यक्ष बनाया तो विधानसभा और लोकसभा के दोनों चुनाव में बड़ी जीत मिली थी। राज्य में इस बार बीजेपी ने सीएम और अध्यक्ष दोनों ही ब्राह्मण को बना दिया। इसका असर पिछड़े वर्ग और एससी वोटर्स पर पड़ा। पूरे पूर्वी राजस्थान और शेखावटी में बीजेपी चुनाव हार गई, जिसे लेकर अब किसान और ओबीसी साधने के लिए बीजेपी किसी ओबीसी या एमबीसी को अध्यक्ष बना सकती है। इसके साथ ही एससी, एमबीसी और ओबीसी को साधने के लिए बीजेपी में मंथन जारी है। इसे लेकर कई नेताओं के नाम पर सहमति बनाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश के नेताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। वहीं राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कार्यकाल पूरा होने वाला है, इसके लिए अब यहाँ पर नए अध्यक्ष को लाया जाएगा। कांग्रेस में ही कुछ लोग अभी गोविंद सिंह डोटासरा को अध्यक्ष के रूप में देखना चाह रहे हैं, लेकिन पूर्वी राजस्थान में मिली जीत के बाद कांग्रेस के कई लोग पूर्वी राजस्थान से अध्यक्ष की मांग कर रहे हैं। शेखावटी के बाद कांग्रेस मेवाड़ की तरफ भी देख रही है, क्योंकि सचिन पायलट के बाद गोविंद सिंह डोटासरा को अध्यक्ष बनाया गया था। गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली दोनों विधानसभा सदस्य हैं, इसलिए किसी विधायक को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की बात कही जा रही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।